So, hello everyone, this is HKM and welcome back to our another video of Minecraft Survival Series. So, just like guys, हम आए हैं फिर से अपने Asgard में और यहाँ पे guys, पिछली वाली वीडियो में guys मैंने बनाया था एक अपना brand new iron का farm, ठीक है? और हमने यार देखो iron का farm बनाने में काफी हालत tight हो गई थी और पूरा armor भी मेरा चटक गया था. तो guys, इस बार मैं बनाने वाला हूँ एक फूड फार्म, ठीक है? हाँ, मैं फूड फार्म बनाने वाला हूँ क्योंकि अगर याद होगा किसी ने अगर पूरी फुल वीडियो देखी होगी भाई, फूड की कितनी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी मुझे भाई, एकदम वो रोटन फ्लैश खा के जीना पड़ रहा था. इसी चलते गाइज मैं बनाऊँगा आज एक मतलब बढ़िया सा एक फूड फार्म. और फूड फार्म तो भाई मुझे पहले बना लेना चाहिए था पर मैंने बना लिया आयरन का फार्म क्योंकि भाई मुझे अब सही डायरेक्शन नहीं मिल रही ना कैसे क्या करना चाहिए. और ऊपर से गाइज मैं अभी बहुत बिजी भी हो गया हूँ. क्यों? क्योंकि मेरे स्कूल खुल चुके हैं. अगर किस सबने अगर लाइव स्ट्रीम पता होगी तो अभी मैंने कुछ दिन से लाइव स्ट्रीम भी नहीं की है. और एक चीज़ ये भी है कि आप सारे होमवर्क्स के चलते इतना सारा होमवर्क मिल चुका है मुझे सब्जेक्ट्स का कि गाइज मुझे रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं मिलता. अभी भी गाइज मैंने अपना होमवर्क कुछ थोड़ा मतलब बर्डन कम करके ही ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वरना यार घर वाले बहुत मारेंगे. तो वो बस इतना ही बताना था. तो जैसा कि गाइज देखो आज मैं करूँगा ये कि आज मैं थोड़ा जानवर भी पालूंगा, लाइक जितने आसपास के जानवर भी होंगे. पिछली बार हमने देखा था भाई काफ़ी सारे जानवर थे तो उन्हें भी पालूंगा. और लाइक आज फूड का भी फार्म, फूड फार्म भी एक अच्छा सा बनाएंगे, छोटा सा फूड फार्म बनाएंगे. कोशिश करूंगा कि भाई मुझे पोटैटो और कैरेट और वीट मिल जाए. मेनली तो वीट ही होगा भाई कि जिससे ब्रेड ब्रेड मिलेगा और बाकी फिर हम अपना आगे चलते हैं. और भाई मैं सही बोलो मेरा ये वर्ल्ड ना ऐसा था कि ये करप्ट हो गया था तो मुझे वापस वर्ल्ड लाना पड़ गया. क्यों करप्ट हो गया था भाई अब पता ही है सभी लोगों को कि क्या कर सकता भाई, मेरे पास उतना वो हैवी वो है नहीं. लेकिन चलो गाइस कोशिश करते भाई आज सही बोलो तो सुबह के 9 बजे रिकॉर्डिंग हो रही है. अभी स्कूल भी जाना है तो आई डोंट नो. तो जल्दी जल्दी भाई काम शुरू करते हैं. देखो आसपास काफ़ी जानवर हो सकते हैं. हाँ देखो गाइस यहाँ पे इतने सारे जानवर दिख रहे हैं भाई. ये बोर्ड्स वगैरह मैंने पता नहीं क्यों रखा था, मुझे याद नहीं गाइस. अगर किसी को पिछली बार याद होगा ये बोर्ड्स क्यों रखा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना. बाकी भाई यहाँ पे तो शीप्स दिख रही है, शीप्स और काओ दोनों दिख रही है भाई. शीप्स और इसके ऊपर ही काओ, वो देखो काओ दिख रही है उधर. तो गाइस पहले देखो गाइस मैं करूँगा पहले फूड फार्म का काम. फूड फार्म के बाद फिर हम बनाएंगे फेंसेस और फेंस बनाने के बाद रखेंगे अपने जानवरों को. चलो चलते हैं पहले अपने घर के पास. भाई अपना घर ना बहुत एकदम ना पता ना गाइस घर कैसा लग रहा है भाई, अभी देखते हैं भाई. मैं सोच रहा कि अपना फूड फार्म जो है ना यहाँ यहाँ बनाऊँगा, लाइक घर के इस साइड में, इस साइड जाते जाऊँगा, ठीक है? इस साइड ही बनाऊँगा मतलब घर से पास में, क्योंकि दूर ज़्यादा बनाऊँगा तो फिर भाई फूड लेने जाऊँगा कैसे. ऐसा होगा ना गाइस मैं फूड फार्म बनाऊँगा कुछ लाइक रेडस्टोन वाला तो नहीं बना सकता. अभी रेडस्टोन लेने में गया नहीं भाई. रेडस्टोन लेने जाऊंगा तब लेने जाऊंगा जब डायमंड का काम होगा. तो डायमंड देखो गाइस हम नेक्स्ट वाली वीडियो में लाएंगे और डायमंड आर्मर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया भाई डायमंड आर्मर में नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे. जल्दी से जल्दी हमें ड्रैगन भी तो मारना है भाई. चलो फूड फार्म बनाया जाए भाई क्योंकि खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है. चलो फूड फार्म के साथ साथ मैं सोच रहा हूँ शुगर केन भी प्लांट ही कर देते हैं भाई, पेपर वेपर ट्रेड करने के लिए. और बाकी चलो अब देखते हैं भाई. पहले तो मुझे एरिया क्लीन करना होगा, लाइक ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं पर करना होगा कि ये लाइक ये गड्ढे यहाँ तक. मेरे हिसाब से मुझे टॉर्च से एक ब्लॉक पहले यहाँ तक सारा तोड़ लेना होगा. और भाई मेरी शवल भी टूट गई भाई. ऑल राइट गाइज जैसा कि मैंने आयरन ले लिया है पर गाइज मुझे ज़रा ये पूछना भाई, पिछली बार तो अपना फार्म बढ़िया काम कर रहा था और यहाँ पर अगर कहा जाए तो ये इतना ही ब्लॉक्स ऐसे निकल क्यों रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई. अगर मैं इनको हाथ लगाने जाऊंगा ना तो भाई अभी एक हिट के जानूं मैं. और अभी ये इससे के अंदर स्पॉन भी नहीं हो रहे, पिछली बार तो बहुत अच्छे से स्पॉन हो रहे थे भाई. क्या हो गया भाई, फार्म वार्म बिगड़ गया क्या? ओ ओ भाई गॉड भाई जल्दी जल्दी मारना पड़ेगा भाई. इसके अंदर स्पॉन क्यों नहीं हो रहे पता नहीं, आई डोंट नो कि ज़ॉम्बी मर गया कि कुछ विलेजर ख़त्म हो गए कम पड़ गए, आई डोंट नो भाई. अब देखेंगे भाई इसको किसी और दिन ना मैं ऑफलाइन सही करूँगा. अब भाई मेरे पास भी उतना सामान भी नहीं है, ठीक है कि मैं इसको वापस. ओके ऑल राइट गाइस जैसा कि भाई शवल रेडी हो चुके हैं, मैंने 2 शवल बनाई हैं
कि एरिया काफ़ी मतलब हद तक मुझे क्लियर करके डर्ट वर्ट सब लगानी होगी। तो भाई मेरे हिसाब से पिछली बार मैंने यहाँ से मेज़र करके सिमेट्रिक वे में चलते हैं, तो यहाँ से मैं काटता हूँ, मैंने उस टॉर्च तक कहा था, तो टॉर्च यहाँ तक, ठीक है। अब भाई अब कोई कहेगा कि भाई इतना बड़ा एरिया तुम क्लियर कर रहे हो, तो इसलिए कर रहा हूँ गाइस क्योंकि पता नहीं यार मेरा मन कर रहा है और सीड्स भी इससे काफ़ी सारी मिल जाएंगी। तो चलो भाई देखते हैं कितना ये एरिया होता है। चलो अब एरिया क्लियर करके मैं तुमसे मिलता हूँ। तो जैसा कि गाइस यहाँ पे मैंने एरिया पूरा क्लियर कर दिया है भाई, देखो इतने में अपना फार्म भी बनेगा और हम अपना जानवर भी ला के रखेंगे। लाइक जिस साइड मैं खड़ा हूँ उस साइड में सोच रहा कि जानवर पालने का एरिया बना दो और उससे उस साइड में मैं बना दूँ पीट का एरिया मतलब फार्म। तो अब ऐसा करता हूँ कि मैं जाके पहले पेड़ काट के लाता हूँ, पेड़ इसलिए काट के ला रहा हूँ कि उसकी बनाऊँगा मैं फेंस, और फेंस से मैं ये पूरा बाउंड्री एरिया कवर कर दूँगा जिससे भाई कोई मॉब्स ना आ जाए। और भाई मैं सही बोलूँ भाई फूड की बहुत कमी हो रही है, तो भाई फूड भी थोड़ा कलेक्ट करके लाते हैं। तो अब जैसा कि भाई पहले बहुत सारा देखो हमें सीड्स भी काफ़ी सारे मिल चुके हैं, इसमें भाई एक स्टैक प्लस 20 सीड्स आ चुके हैं। तो उसमें भाई अब चलो जल्दी से जल्दी भाई हम ले के आते हैं, पहले पेड़ काटते हैं, पेड़ काटने के बाद भाई जल्दी से जल्दी लकड़ियाँ ले के आते हैं। ऑल राइट गाइस, जैसा कि भाई मैंने एक स्टैक प्लस 1.5 स्टैक के आसपास भाई बन चुका है हमारे फेंसेज। तो मेरे हिसाब से भाई देखो मेरा मानना ये है कि मैं यहाँ पे एक ब्लॉक हट के यहाँ पे मैं घेरता हूँ और मतलब कर देते हैं भाई ऐसा करते हैं कि 64 है तो 10 की लंबाई लेके घेर देते हैं, लाइक यहाँ के ब्लॉक से यहाँ से भाई मैं पूरा घेर देता हूँ यहाँ तक पूरा एकदम ऐसा फूड फार्म का आधे से बीच में हम बांट देंगे और फिर करते हैं, तो लाइक पूरा करते हैं फिर मैं तुमसे मिलता हूँ। तो गुड मॉर्निंग गाइस, जैसा कि यार तुम लोग अगर पीछे देख पा रहे हो तो मैंने वहाँ पे बना दिया है, यहाँ पे पूरा फेंस से कवर अप कर दिया है और अभी भी बोला जाए तो इतना काफ़ी इनफ एरिया है। लाइक ये भी एरिया मैंने क्लियर किया था इस चीज़ के लिए, पर मैं भूल गया भाई ये क्रीपर भी आ रहा है, भाई सावधानी से रहना होगा, क्या पता क्रीपर आके मार दे मुझे। भाई फूड की बिल्कुल कमी होते जा रही है, तो लाइक इस वाले कॉर्नर पर मैं बनाऊँगा अपना एक फूड फार्म और इस वाले कॉर्नर पे हम रखेंगे अपने दोनों जानवर। और भाई नीचे काफ़ी आवाज़ आ रही है, वो भी देखना पड़ेगा क्या हो रहा है भाई। एक तो यार इचिंग बहुत हो रही है, मौसम ठंडा हो चुका है लेकिन भाई यहाँ पे मुझे बहुत इचिंग हो रही है। तो चलो गाइस सबसे पहले तो भाई मैं कहता हूँ कि अपना फूड फार्म रेडी कर देते हैं, तो उसके लिए भाई मुझे चाहिए हो और इधर भाई दरवाजे लगाने, लाइक इधर दरवाजे लगाने, ये लॉक रहेगा मुझे, मैं यहाँ से लाइक इधर मैं सोच रहा हूँ उस साइड का रखूँगा, इस साइड से और बीच से आने जाने का इनका रास्ता और बाकी कोने से तो मैं वही निकाल रहा हूँ। तो भाई सबसे पहले मैं काम करता हूँ फूड कलेक्ट करके लाता हूँ फिर भाई तुमसे मिलता हूँ, पहले क्योंकि खाना खाऊँगा तभी काम बनेगा। ऑल राइट गाइस, जैसा कि भाई मैं फूड कलेक्ट करके ला चुका हूँ, ऑलमोस्ट भाई देखो विलेजर्स लाने के चक्कर में मेरा विलेज ख़त्म हो गया, एक विलेजर बचा है। तो भाई किसी तरीके से हमें नेक्स्ट टास्क में भाई विलेज लाना ही, विलेजर्स बढ़ाने होंगे। और यहाँ से भाई देखो मेरे को 4 आलू और 56 कैरेट और सीड्स मिल चुके हैं, तो भाई खाने की तो कमी अभी के लिए तो हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पे भाई ऐसा करना है, देखो बहुत छोटा सा एरिया है तो इसमें भाई मैं हर फूड लगा नहीं सकता, लेकिन हर टाइप का मैं कोशिश करूँगा भाई 3-3 लाइन का मैं हर चीज़ कर दूँ जिससे ज़्यादा हो सके। फिर भाई टाइमली मैं फिर इसको बढ़ा दूँगा पीछे करके या ऑफलाइन किसी दिन मैं बढ़ा दूँगा। भाई मैं चाहता था तो वो स्टेयर केस वाला बनाने को, लेकिन वो स्टेयर केस वाला पॉसिबल नहीं है क्योंकि भाई मेरे पास आयरन भी नहीं है और रिसोर्स भी भाई मेरे ना वो आयरन भी एक काइंड ऑफ लिमिटेड ही है,
के चलते भाई, क्योंकि वो आयरन फार्म काम ही नहीं कर रहा भाई। उधर ई एफ के खड़ा रहा तब भी नहीं, पता नहीं उस दिन के बाद क्या हुआ भाई, क्योंकि मैं लीव कर गया। मैं वीडियोस रिकॉर्ड करने के बाद चला जाता हूँ, लीव कर देता हूँ, एक्स्ट्रा मैं नहीं खेलता है। ठीक है, बाकी भाई मुझे थोड़ी लकड़ियाँ चाहिए होंगी, तो ये पीछे वाले पेड़ से काट के भाई जल्दी से जल्दी इनका ना गेट बनाते हैं और फिर अपना फूड लगाना शुरू करते हैं। ऑल राइट गाइस, जैसा कि अब मैंने यहाँ पे लकड़ियाँ तो काट ली, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ क्राफ्टिंग टेबल और इस पे सारी लकड़ियाँ वो कर देता हूँ। सारी नहीं भाई, गेट बनाना है ना मुझे, तो गेट का तो लिए ऐसे शायद गेट बने, तीन गेट चाहिए मुझे, 1 2 3 गेट, थ्री गेट्स में एक यहाँ एक यहाँ एक इस गेट के बाद, ओ यहाँ पे एक फेंस चाहिए होगा, कोई नहीं भाई बाद में लगा दूंगा। चलिए भाई तुम ऐसे रह लो, ओ है फेंस, हो गया भाई। यहाँ पे हमारे एक्चुअली तीनों तैयार हो चुके हैं। अब भाई अब क्या करना है, पहले हम करेंगे फूड फार्म का काम, तो भाई उसके लिए चाहिए मुझे शोवेल, शोवेल नहीं भाई मेरे को हो चाहिए। और मैंने 20 सीड कहाँ फेंक दिए, नहीं भाई 20 सीड 20 नहीं, ये रहे ना भाई यहाँ पे सीड्स हैं। जल्दी से जल्दी भाई ये सीड सारा लगा लो यहीं पे, ठीक है। और वाटर बकेट चाहिए मुझे और हो चाहिए, हो फिर हो लाते भाई, हो भी बना लो यहीं पे। भाई आयरन कमी है थोड़ी, अभी आयरन की अभी कमी नहीं है लेकिन बाद में पड़ सकती है, तो भाई इसके लिए भी काम करना होगा। तो यहाँ पे मुझे पहले वाटर सोर्स बनाना होगा, पर आई डोंट नो वाटर भाई मैंने अभी बंद किया था। ठीक है जल्दी से चलिए भाई खुल जा भाई, ये चार ब्लॉक हो गए भाई। माइनक्राफ्ट का लॉजिक अजीब है भाई, चार ब्लॉक डालो तो पानी बन जाता है, लेकिन चार ब्लॉक में अगर लावा डाले तो भाई लावा का इनफाइनाइट सोर्सेज नहीं बनता, वाटर का बन जाएगा भाई। व्हाट द हेल भाई, मेरा फार्म काम नहीं कर रहा, मुझे अपने फार्म का कुछ करना पड़ेगा। ठीक है थोड़ा और शायद मेरे हिसाब से ना कि मैंने ढंग से ना ये एरिया प्ले नहीं कर रखा भाई, तभी तो यहाँ पे स्पॉन हो जा रहा है, वहाँ क्यों नहीं स्पॉन हो रहा भाई, बाहर क्यों कर रहा है स्पॉन, अंदर करना भाई, आयरन भी जल्दी जल्दी मिलेगा मुझे। ये बन गया भाई मेरे हिसाब से, अब लाइन खोदते हैं ऐसा कि सेंटर वाला काम करता हूँ मैं, सेंटर में बनाऊंगा। ठीक है लाइक यहाँ से भाई ये ऑल राइट गाइज, जैसा कि भाई हमने अपना फूड फार्म रेडी कर दिया है भाई, अपना फूड फार्म में देखो 12 ब्लॉक्स 12 की लेंथ थी, तो भाई मैंने तीन तीन करके लाइक ये तीन है हमारे वीट और ये तीन है हमारे पोटैटो, ये तीन है हमारे कैरेट और फिर से रिपीट कर दिया है। तो ऐसा ही करूँगा भाई अभी, तो भाई मैंने ये देखो यहाँ पे तीन ही, मेरे पास चार पोटैटो थे, तो यहाँ नीचे मैंने आधे में हाफ में गाजर लगा दी और उस हाफ में फिर मैंने यहाँ पे सीड्स लगा दिए, तो भाई फार्म भी काफ़ी अपना अच्छा हो गया। अब पहले भाई मैं सो जाता हूँ, सो गुड मॉर्निंग गाइस। अब भाई मुझे क्या करना है, जल्दी से जल्दी जानवर पकड़ के लाने, तो इसका मुझे करना होगा इंतज़ार, क्योंकि यहाँ पे आसपास शायद मैंने ऑलमोस्ट विलेज की सारी वीड्स, यस पिछली वाली वीडियो में भाई मैंने विलेज की सारी वीड्स उड़ा दी भाई मैंने, तो भाई सांप का गड्ढा था अभी जाते जाते बच्चा। वो यहाँ पे है भाई, यहाँ पे ये इतने सारे पोटैटोज हैं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया भाई। चलो भाई जल्दी से जल्दी ये उठा लेते हैं, मैंने पिछली बार उस खेत की उखाड़ ली थी। ओ भाई आ जा, ओ भाई शीप आ गई, एक मैंने हाथ में धरी और एक आ भी गई भाई। अच्छा भाई विलेज में एक घूम तो रही थी भाई, मुर्गियाँ भी पाल लूँ क्या, मुर्गियाँ भी पालूंगा भाई, मुर्गियाँ किस ना ऑफलाइन लेके आ जाऊँगा। ठीक है कि मुर्गी लाने में बहुत दिक्कत हो जाती है, आ जा भाई आ जा आ जा। ऑल राइट गाइज, अभी भी ऐसा करके मुझे दो गाय और एक और शीप लानी होगी। चलो भाई जल्दी से जल्दी ले आता हूँ, खैर भाई इनकी जनसंख्या भी बढ़ानी होगी, क्योंकि भाई फिर इनसे ज़्यादा जैसे वेज से ज़्यादा नॉन वेज में ज़्यादा
जल्दी हील होता है, ठीक है। और उसके बाद भाई मैं कोशिश ये करूँगा ना कि नेक्स्ट वीडियो में भाई मैं ये खेत को कम से कम यहाँ तक तो बढ़ा ही दूँ। वाओ, अगर अभी मैं विलेज में गया तो भाई ये कहाँ से आ जाते हैं यार, ठीक है। अगर अभी मैं विलेज में गया ना तो फिर मेरे लग जाएंगे भाई। अभी आज मूड नहीं है, किसी और दिन आना भाई तुम लोग। अब मेरा गोलम भी गायब कर देते हैं यार ये लोग। चलो भाई मैं अभी शीप लेके आता हूँ अभी, क्योंकि मैं इनके चंक में आया नहीं हूँ तो ये एक्टिवेट नहीं होंगे, ठीक है भाई। एक और शीप मिल गई, तो चलो भाई जल्दी से जल्दी मैं बाकी के जानवर कलेक्ट करके मैं तुमसे मिलता हूँ। अच्छा तो जैसा कि गाइस यार तुम लोग देख ही रहे हो भाई, मैं एक वीट से तीन शिकार ला रहा हूँ। लाइक साउंड लाइक एक तीर से दो शिकार होते हैं ना भाई, मैं तीन ला रहा हूँ भाई, ठीक है भाई। अब कविता चेंज कर दी भाई मैंने, कहावत है गाइस। आ जाओ भाई आ जाओ, जल्दी से जल्दी आ जाओ भाई, ठीक है। और अभी फिर भाई की जनसंख्या भी बढ़ानी है, तो वो जनसंख्या भाई बढ़ जाएगी भाई। अभी नेक्स्ट वीडियो है, ऑफलाइन भी काम करना होगा ना इसका। जल्दी आ जाओ, वो भाई मैं यहाँ फूक पा में उधर भी जा सकता हूँ लेकिन उधर मैं नहीं जाऊँगा। यहाँ से आओ भाई तुम लोग, यहाँ से तीनों एक एक करके आओ। कोई लड़ेगा नहीं भाई, लड़ाई झगड़ा नहीं। ठीक है जल्दी से जल्दी इसे लेफ्ट हैंड में करके आ जा भाई। तू आ पहले, तू आ, तुझे लाना होगा। ऑल राइट गाइज, भाई देखो वो चली गई इसमें शीप, ये चला आया इसमें भाई। हो गया भाई आज का काम तो अब, ठीक है। क्योंकि भाई हमारा काम था यही। और भाई अब जल्दी से जल्दी भाई ये फूड फार्म बढ़ेगा तो मैं खाना खा पाऊँगा। खैर अभी मेरे पास तो भाई अभी आज का काम चलाना है। तो ऑल राइट गाइज, जैसा कि भाई आज का काम हमारा हो चुका है डन। हाँ देखो गाइज, अभी देखो मैं वीडियोस थोड़ी छोटी बनाऊंगा और कोशिश यही करूंगा कि भाई थोड़ा छोटा छोटा टास्क लेके करूं कि जो जल्दी पॉसिबल हो जाए, जिससे मैं जल्दी एडिट करवा पाऊं और फिर जल्दी से जल्दी तुम्हारे पास आ सके। और भाई इस वीडियो पे भाई मैं लाइक एम करता हूं 20 लाइक्स का ही भाई, मैं ज़्यादा रख नहीं पा रहा हूं भाई तुम लोग, क्योंकि भाई 20 लाइक्स करवा ही नहीं रहे हो भाई। लाइक करते हैं, एम करते हैं 20 लाइक्स का, और कमेंट्स का एम रखते हैं भाई 10 कमेंट्स का भी एम रखते हैं। जल्दी से जल्दी भाई करा देना। और हाँ गाइस, जल्दी भाई बहुत जल्दी ही तुम्हें एक मस्त वीडियो आने वाली है, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून फॉर डैट। जल्दी से जल्दी भाई करा दो भाई 2K सब्सक्राइबर, क्योंकि भाई अब जल्दी से इस साल के अंत तक भाई मुझे चाहिए 10,000 सब्सक्राइबर भाई। हुक एंड क्रूक कैसे भी मुझे चाहिए। और अभी हो सकता है कि भाई बीच में वीडियोस ना आए, क्योंकि फिर बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, उसकी भी प्रिपरेशन करनी होगी। पर खैर कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं तुम्हारे कॉन्टेंट में कोई कमी नहीं होने दूंगा। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।